अब मुझे नहीं पता कि इस तरह के वीडियो का स्टार्टिंग कैसे करते हैं, बस मैंने रैंडमली स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है मेरे रूम का एंट्री गेट है और साइड में एक खिड़की भी है जहाँ पे मैंने एक गमले में मनी प्लांट का पौधा लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छे ऊपर से जा रहा है। और इधर साइड वाले में मैंने एक प्लांटर भी लगाया है जो कि बल्ब से मैंने बनाया था। एंट्री मारते हैं रूम में। अबे ये तो अंधेरा है, एक मिनट मैं लाइट ऑन करती हूँ। तो अभी मैं सारा नहीं दिखाऊंगी, अभी साइड में दिखाते हैं, साइड से स्टार्ट करते हैं एकदम सिनेमेटिक। तो यहाँ पे ना मैंने आदियोगी जी की पेंटिंग बनाई थी, स्पील आर्ट मैंने करा था और ये मुझे पसंद भी है बहुत ज़्यादा। तो आते हैं साइड वाले वॉल पे। तो साइड वाले वॉल पे नीचे वाले रैक पे मैंने, और मुझे ना कबाड़ इकट्ठा करने का एक भारी शौक है, तो इस वाले बॉक्स में मैंने पूरा कबाड़ भरा है। इस वाले मैंने बेकार से कपड़े, यहाँ पे पेंट और एक क्यूट सा कलर पैलेट। फिर इधर साइड में कुछ अटरम पटरम रखा हुआ है, मुझे हाँ पता है क्या रखा है, दिख ही रहा है तो बताने की क्या ज़रूरत है। और ये वीडियो मैं दिवाली में इसलिए शूट कर रही हूँ, और वॉल के बारे में पहले बता देती हूँ, मैं टॉपिक से बड़ा भटकती हूँ। तो ये मैंने पिंटरेस्ट से देखा था और मैंने वैसा रिक्रिएट करने का सोचा, नहीं हुआ तो पता नहीं क्या कबाड़ा बना दिया। वैसे अच्छा ही लग रहा है, कबाड़ा नहीं लग रहा है, ओवर मैं बोल रही हूँ। तो हाँ, ये वीडियो मैं दिवाली में इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने दिवाली में अपने रूम की सफाई करी थी और फिर से वो कबाड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार रूम टूर का वीडियो बना ही लेते हैं। चलो अच्छा बनेगा तो ठीक, बकवास बनेगा तो ठीक, जैसा भी बनेगा मैं अपलोड करूँगी। बस ये मेरा एम था और उतना अच्छा भी नहीं बना है और उतना बुरा भी नहीं। तो ये वाला जो पेंटिंग दिख रहा है ये मैंने वाटर कलर से बनाया है और ये ऑयल पेस्टल से, और यहाँ कुछ एक्रेलिक पेंटिंग भी है, और ये मेरे क्यूटू से कृष्णा जी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आते हैं इस वाले सेल्फ में तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, कुछ ग्लिटर्स। और ये वाले एल्बम में मैंने अपनी एक फ़ोटो दिखाई है जो कि मैं छोटी थी तब, और ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करूँगी, बस इतना ही। तो नीचे वाले में मेरा डॉम्स का किट बहुत पसंद है मुझे, और ये हाइलाइटर और भी बहुत सारी चीज़। और मैंने बोला था मैं कबाड़ी इकट्ठा करने का एक भारी शौक है, तो मैंने छोटे छोटे पत्थर भी इकट्ठा करके रखे हैं कि ये कभी ना कभी मैं यूज़ करूँगी, ऐसे ही करती हूँ मैं हमेशा। और ये मेरा यूनिकॉर्न पाउच, इसमें भी मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है, और बहुत सारी गिफ्ट तो मैंने अपने फ्रेंड्स को और पता नहीं किस किस को दे दिया। तो यहाँ पे मेरे स्टिकी नोट्स, BTS वाले एक क्यूट क्यूट नोटबुक और भी बहुत सारे। वैसे मुझे BTS पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है। अब कुछ लगा के बोलेंगे BTS पसंद नहीं, क्या बोला तूने? ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टिकर रखा है, और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में भी मैंने बहुत कुछ रखा है, ग्लू वगैरह। और इसके सेल्फ में देखते कि मैंने क्या क्या रखा है। तो यहाँ पे एक चूहे की खाई हुई डिक्शनरी मैंने रखी है, और एक वॉच रखी है जो कि मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करा था। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इसे मेंशन कर रखा है कि मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करा था, वो भी सोच रही हूँ किस चिंदी को दे दिया मैंने। और इसमें मैंने टेप कलेक्ट करके रखे हैं बहुत सारे, जो कि मुझे कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और मैं क्या बोल रही थी कि दिवाली में हाँ फिर से कबाड़ा ना कर दूँ, इससे अच्छा है कि एक रूम टूर का वीडियो बना लेते हैं, मेरे लिए एक मेमोरी टाइप हो जाएगी कि मैंने कुछ रूम ऐसे सजाया था। ठीक है, ये भी सही है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक बेड है जिसके ऊपर मैंने चादर डाला है। अब वीडियो कंप्लीट होने के बाद चादर उखाड़ के ले जाऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं सोता। आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। यहाँ पे मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, उसके पीछे रीज़न भी है कुछ। और ये रहा मेरा रिंग लाइट, इसको मैं जला देती हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर बोर्ड मिल जाता है और लाइटिंग भी मिल जाती है अच्छी खासी, मतलब एक बल्ब भी लगा हुआ है, और मुझे कहीं और से बोर्ड में अपना प्लग वगैरह नहीं लगाना पड़ता इसीलिए। और इतना स्पेस मेरे लिए इनफ होता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं एक दूसरा टेबल नहीं लगा के, और जगह भी नहीं है इस रूम में उतना कि मैं एक दूसरा टेबल लगा सकूं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। बोलते बोलते जबान थक गए, मैं बहुत चपड़ चपड़ करती हूँ।